संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तत्पुरुष समास चल रहा है, उसमें हमने नए तत्पुरुष समास के बारे में जान लिया था। मैं बताया था एक एक समासों को एक अलग वीडियो बनाने की व्यवस्था देंगे। आज हम गति तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। गति संज्ञा किसकी होती है इसको मैंने बहुत विस्तृत में समझाया है। आप जाकर के कारक प्रकरण में जाएंगे और कारक प्रकरण में एक कर्म प्रवचनीय के नाम से अलग से व्यवस्था दी है, उनमें जाकर के देखेंगे तो गति संज्ञक व्यवस्था भी उसमें दी गई है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बताता चलूंगा जिससे कि आपको समस्या ना हो। गति तत्पुरुष ठीक है, गति तत्पुरुष गति संज्ञा किसकी होती है तो इसमें एक सूत्र आया, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते चलेंगे। सूत्र लिख लिख करके आदमी चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला ही सूत्र है को गति प्रादया। ये जो सूत्र है ये समास करने का सूत्र है। कु इस शब्द से संबंधित जब भी किसी सुबंत का इस कु शब्द का इसका अर्थ समझ लें थोड़ा, इस कु शब्द का किसी सुबंत शब्द के साथ मिलन होगा तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी नया संज्ञा नहीं होगी, गति संज्ञा नहीं होगी। दूसरा है गति तत्पुरुष समास भी होता है इस सूत्र से। तीसरा है प्रादया यानी प्रा आदि तत्पुरुष समास भी होता है इस सूत्र के द्वारा। अब किसकी गति संज्ञा होती है, कौन कु से शब्द लग जाए तो समास होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। गति संज्ञा आएगी तो मैं उसमें आगे समझा दूंगा, पहले कु समझ लेते हैं। कु शब्द जब भी किसी के साथ में आ जाएगा, ये शब्द है अपने आप में, ठीक है। ये शब्द जब भी किसी के साथ में आ जाएगा तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा सीधा। जैसे कु पुरुषः, ठीक है। तो कु शब्द इस पुरुष शब्द से पहले लगा हुआ है तो जैसे ही ये लग गया तो ये हमको दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि ये तत्पुरुष संज्ञक हो गया। ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष संज्ञा हो गई इसकी। और इसका अगर विग्रह करना होता है तो कुत्सितः, क्योंकि जय क्या हो जाता है कुत्सितः पुरुषः, और कुत्सितः का मतलब जानते ही आप, जो पुरुष किसी ना किसी कारणवश निकृष्ट हो, पापी हो, दुष्ट हो, उसके लिए इस तरह का प्रयोग किया जाता है कुत्सित पुरुषः, ठीक है। ऐसे ही आप लगा सकते हैं कुमाता, कुमाता के लिए प्रयोग किया जाता है तो कुत्सिता, यहां विसर्ग है वहां माता की तरह कुत्सिता माता। ऐसे ही कुदृष्टि, ठीक है, तो कु है कुत्सितः दृष्टि। तो कु शब्द जब भी किसी सुबंत शब्द के साथ प्रयोग होगा तो उसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा और वो कु किस सूत्र से होगा, कु गति प्रादयः इस समास से। अब इसमें गति तत्पुरुष समास तो लिख दिया मैंने, तो आप इसमें गति तत्पुरुष समास मत मान लेना गलती से भी, क्योंकि गति तत्पुरुष समास ये बीच में जो दे रखा है इसके कारण होगा, ठीक है ना। तो ये तत्पुरुष समास जो होगा वो कु गति प्रादया इन तीन अर्थों को ये सूत्र दर्शाता है, यानी कु शब्द के साथ तत्पुरुष समास होता है, गति संज्ञक शब्दों के साथ सुबंध शब्द हो तो तत्पुरुष समास होता है। हम लोग अपने जानकारी के लिए, हम जानने के लिए उनका अपने अनुसार कार्य कर लेते हैं कि ये गति संज्ञक है ये कौन से हैं। तो गति संज्ञा जिनकी हो जाएगी यदि वो सुबंध के साथ प्रयोग किए जाएंगे तो वो गति संज्ञक तत्पुरुष समास के अंतर्गत चले जाते हैं, ये मान लेते हैं। ऐसे प्रा आदि जो उपसर्ग हैं उनका किसी सुबंत के साथ
प्रयोग किया जाएगा तो प्रादि संज्ञा होकर के तत्पुरुष समास में चले जाएंगे, प्रादि तत्पुरुष समास कहने लगते हैं उसको, ठीक है। इसका मतलब उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो कु आदि का मैंने समझाने का प्रयास किया, अब कु आदि में कुछ सूत्र और लगते हैं, जैसे पहला सूत्र है इसमें कु आदि के अंतर्गत ही को कत तत्पुरुषे अचि, मतलब कु जो है उसके स्थान पर कद आदेश हो जाता है। कु है, हमने अभी कु का अध्ययन किया है, जो कु है उसके स्थान पर कद आदेश हो जाता है, तत्पुरुष समास हो और वह तत्पुरुष समास हो जाता है और वह कब हो, अचि, यानी कि वह सुबंत शब्द कौन सा हो, अच से शुरू होने वाला हो, ठीक है। जैसे हमने जाना था ने तत्पुरुष समास में भी अब्राह्मण, जैसे अस्व में पहुंच जाते थे अनस्व हो जाता था, लुट का आगम हो जाता था, ऐसे ही यहां पर जब ये क शब्द जब जाएगा अच में, अच से शुरू होने वाले शब्द आ जाएंगे तो कु की जगह कद आदेश हो जाएगा। जैसे अब यहां पर कुत्सितः अश्वः, ये विग्रह मिला हमें, क्योंकि इसको अगर मैं समास से समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। कुत्सितः अश्वः, ये विग्रह मिला और कहा जाए कि इसका समास करिए, इसको समास में बदलिए, तो इसका समास क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको को अश्व कर देंगे, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। अब कु की जगह हमको पता है कद आदेश हो जाता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, कद और अश्व बन जाएगा, ये कद अश्व ये हो जाएगा समास, ठीक है। ऐसे ही कदन्नम कुत्सितः कुत्सितम, क्योंकि नपुंसक है ये, अन्नम ये इसका अन्नम अन्नम कुत्सितम अन्नम, आ जो है स्वर है यानी शुरू स्वर से शुरू होने वाला है, तो कु की जगह कद आदेश इसमें भी हो गया, जैसे कु की जगह कद आदेश इसमें हो गया, इसमें मैंने दर्शाने के लिए लिख दिया यहां पर, ठीक। तो ये को कत तत्पुरुषे अचि सूत्र कहता है, यदि को के बाद में कु के बाद यदि ऐसा शुभंत शब्द हो जो अ से शुरू हो रहा हो तो का के कु के स्थान पर कद आदेश हो जाता है। चलो ये समझ में आ गया होगा। स्पेस हो गया इसमें ज्यादा, इसको मैं कु लिख करके इसी के आगे इन सूत्रों को दर्शा देता हूं जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है ना। को कत तत्पुरुषे अचि, इसी में एक और सूत्र है रथ वदयोश्च, चा शब्द लग रहा है, ऐसे ही एक और सूत्र है त्रौ च, जब ये चा शब्द लग जाए तो हमको ये मानना है कि जो कु को कद आदेश हुआ था उसके स्थान पर जो कद आदेश हुआ था वैसे ही रथ और वद यदि शब्द आए तो कु के स्थान पर कद आदेश हो जाता है। जैसे कुत्सितः रथः, तो क्या बन जाएगा, कद रथः ये बन जाएगा। ऐसे ही कुत्सितः वदः क्या बन जाएगा, कद वदः,
ए बन जाएगा, हलंत लग जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कदवदह। ऐसे ही त्रौ, त्र शब्द आ जाए तब भी क के स्थान पर कुत्सितः, सितस्त्र कत्र्यः, ठीक। ये हो गए, ये एक सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया, ये तीसरा सूत्र हो गया। अभी आप बात आपको समझ में आई, रथ और वध और त्रव इन शब्द के साथ में भी कु के स्थान पर कद आदेश हो जाता है। चलो एक सूत्र और है, ईषद अर्थे। ईषद अर्थे सूत्र कहता है कि जब भी ईषद का मतलब क्या होता है, कम, ईषद का मतलब कम, अल्प, जब भी इस अर्थ में कु शब्द आए तो कु के स्थान पर का आदेश हो जाता है। जैसे का लवणम, ठीक है ना, का लवण से मतलब क्या है, अब इसका विग्रह जो होगा वो ईषद अर्थ लगा करके होगा, याद रखना, ईषद लवणम। काम्लम, ईषद अम्लम। इसी तरह से और भी जो भी अर्थ बनाएंगे ईषद के अर्थ में, वो इस तरह से ईषद लगा करके विग्रह किया जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही वो समास बनेंगे तो का उसमें प्रयोग कर लिया जाएगा। एक और है इसमें लास्ट, कवंचोषणे। इसके का के स्थान पर कब आदेश हो जाता है विकल्प से, अन्य तरह से हम, तो बन जाएगा ये कवोषणम, कदूषणम और कोषणम, ये बन जाएंगे तीन अर्थ। इस तरह से कु के ये भी अर्थ आपको याद रखने हैं, इनसे संबंधित कोई भी शब्द आता है वो तत्पुरुष संज्ञक हो जाता है, अर्थात तत्पुरुष समास हो जाता है, ये इसका तात्पर्य है। आशा कर रहा हूं ये आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये चीजें बहुत कम मिल पाती हैं। चलिए ये सूत्र आपको याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं, अब मैं अगले सूत्र पर चलता हूं, ठीक है। दूसरा सूत्र है उर्यादि च्यों दाचश्च, अर्थात उरी आदि एक गण है, उरी आदि, ठीक है, उरी शब्द है ये। ऐसे ही बहुत सारे इसमें शब्द आते हैं, उन सभी शब्दों के साथ जब भी, अब आगे यहां प्रयोग करेंगे, जब भी, बाद की बात है, क्या च्यों प्रत्यांत शब्द, ये प्रत्यय है, और डाच प्रत्यय, च्यु प्रत्यांत शब्द, डाच प्रत्यांत शब्द जब भी किसी सुबंत शब्द के साथ आएगी तो वो कृत गति संज्ञक हो जाएंगे, याद रखना। ये सूत्र कहता है कि कु गति प्रादया की तत्पुरुष संज्ञा हो जाता है, अर्थात उसमें समास हो जाता है, और वह कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, इस सूत्र के द्वारा। अब गति संज्ञा किस किस की होती है ये समझाएंगे अगले जो भी सूत्र आएंगे। तो उर्यादि की, च्यु प्रत्यांत शब्दों की और डाच प्रत्यांत शब्दों की गति संज्ञा होती है, ये इसका तात्पर्य है। अब च्यु प्रत्यांत इसमें जो दे रखे हैं वो क्रि, अस और भू,
ये मात्र तीन धातुएं हैं जो इनको मान्य हैं, अर्थात ये धातुएं जब भी जीव प्रत्यांत हो, डाच प्रत्यांत शब्द हो, डाच प्रत्यांत हो तो थोड़ा है मैं गलत बोल गया, दोबारा से फिर बता रहा हूं, जीव प्रत्यांत शब्द, डाच प्रत्यांत शब्द जब इन शब्दों, इन धातुओं से बने हुए शब्दों के साथ आए तो गति संज्ञक हो जाते हैं, यानी कि जो भी शब्द बने हुए इन प्रत्ययों से संबंधित और इनके भी योग, इनका इन शब्दों के, इन सब धातुओं से बने हुए शब्दों का योग हो, दोनों का मिलन हो जाए तो वो गति संज्ञक हो जाते हैं, ये इसका तात्पर्य है। ऐसे ही उर्यादि जो गण है उसमें आने वाले शब्द यदि इन तीनों धातुओं में से किसी के साथ संयोग करे, मिलन हो, तो वह भी गति संज्ञक हो जाता है और वह तत्पुरुष समास हो जाता है, गति तत्पुरुष समास इस सूत्र के द्वारा हो जाता है, यह तात्पर्य है इसका। थोड़ा सा बीच में गलत हो गया था, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इसका है उरी कृत्य, ठीक है। उरी कृत्य का मतलब होता है स्वीकार करके, अगर इसको हम उरी कृत्वा, विसर्ग नहीं होता इसमें, उरी कृत्वा, ये इसका विग्रह हो गया। अब उरी कृत्वा का उरु कृत्य कैसे बना, तो एक सूत्र होता है उसको मैं बता दूं, समासे ने पूर्वे कत्तो लिया, ये सूत्र होता है, यानी कि समास में ने से पूर्व कत्व प्रत्यय को लेप हो जाता है इसके अनुसार। तो ये समास है और जब भी ये समास बनेगा तो ने, थोड़ा सा गलत इसमें ही बोल गया, ये कह रहा है कि समास में ने को छोड़कर, ने तत्पुरुष हमने अध्ययन कर लिया है उसको छोड़कर कत्व को लेप हो जाता है, केवल जितने भी समास आएंगे शुरू से लेकर अंतिम तक यदि कत्व प्रत्यय उन समास के शब्दों में प्रयोग किया गया है तो उसका लेप हो ही जाएगा, लेकिन केवल एक समास है जिसका नाम न तत्पुरुष है जो हम पढ़ चुके हैं। अब न संज्ञक, न तत्पुरुष भी हो सकता है, न बहुव्रीहि भी होता है, ये यहां केवल न की बात कर रहे हैं, तो न संज्ञक जो समास होता है उसमें कत्वा को लेप नहीं होता, ये सूत्र का तात्पर्य है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया हो। तो यहां पर उरी कृत्य स्वीकार करके इस तरह से ये प्रयोग कर लिया जाता है। इसमें और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, आविर्भूय, तो इसको आविर्भूत्वा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आविश कृत्य आविश कृत्वा, जब भी इसका विग्रह करेंगे तो शब्द रख करके सीधे कत्वा लगा देंगे, भूत्वा लगा देंगे, ये हमेशा याद रखो, इसकी सबसे बड़ी पहचान एक और है, ये हमेशा कत्व प्रत्यय के अंतर्गत, लेप प्रत्यय के अंतर्गत ही प्रयोग किया जाता है। समय बहुत हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास करूंगा आपको, तो इस तरह से इनको हम प्रयोग कर लेते हैं। अब चीव प्रत्यांत शब्द ले लेते हैं, शुक्ली कृत्य, इसका होता है अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, जो शुक्ल नहीं है, जो सफेद नहीं है उसको सफेद करके, ये इसका तात्पर्य हो गया। ऐसे कृष्णी भूय, तो अकृष्णम कृष्णम भूत्वा, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं हम डाच प्रत्यय पर। डाच प्रत्ययांत शब्द जो होते हैं उसका प्रयोग होता है किसी को, जैसे पट पट कृत्य तो बन जाता है ये पटत पटत कृत्वा, मतलब पट पट का शब्द करके, खट खट कृत्य खट खट कृत्वा, खटत खटत कृत्वा, इस तरह से जब भी प्रयोग होंगे डबल बार, ये महंसा याद रखो, डाच प्रत्यय जो होते हैं वो दो बार प्रयोग होते हैं, खट खट शब्द करके है ना, और कृत्वा इसमें सीधे प्रयोग हो जाता है, पटत पटत कृत्वा पट पट कृत्य, तो ये डाच प्रत्यय शब्द के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब एक सूत्र और है इसमें, तीसरा आदराना सदसती, मतलब आदर और अनादर में सत और असत इन दो शब्दों का, इन शब्दों की गति संज्ञक हो जाते हैं, अर्थात ये दो शब्द गति संज्ञा में बदल जाते हैं। गति संज्ञा को जानने के लिए आपको उसमें जाना, कार्यप्रकरण में जाना पड़ेगा, कर्म प्रविचन आपको देखना पड़ेगा। गति संज्ञक जो होते हैं, जब भी कोई प्रा आदि यानी कि जो उपसर्ग हैं वो उपसर्ग जब कहलाते हैं, जब वो क्रिया के साथ लगे हों, क्रिया के साथ जब प्रयोग किया जाता है उपसर्गों का, तो उनकी उपसर्ग संज्ञा तब होती है। ऐसे ही क्रिया के साथ प्रयोग होने पर प्रा आदियों की गति संज्ञा भी होती है, ये भी उसमें बताया गया है गतिश्चा, इस सूत्र के द्वारा गतिश्चा से उसकी गति संज्ञा हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम यहां समास अध्ययन कर रहे हैं, समास कभी भी तिंगंत में नहीं होता, तिंगंत में समास कभी नहीं होता, वो वेदों में होता है। यहां पर जब भी हम अध्ययन करेंगे तो वो सुबंत का अध्ययन करेंगे, और सुबंत हम जानते हैं, सुबंत, सुबंत में जब भी कोई धातु प्रयोग की जाती है तो उसको सुबंत कृदंत को लेकर के सुबंत बना देते हैं, तो ये कत्व जो है वो सुदंत को प्रयोग करके कृदंत को प्रयोग करके सुबंत बनाए गए हैं, ठीक है। और इनसे पहले शब्द जब भी आ जाएंगे प्रादि तो वो गति संज्ञक हो जाएंगे, लेकिन यहां पर अलग से कुछ सूत्र दिए दिए गए हैं, उनके साथ में भी उनका प्रयोग भी गति संज्ञा की तरह होता है, अर्थात वो गति संज्ञक होते हैं, प्रयोग होते हैं, इसलिए सूत्रों का निर्माण करना पड़ा। अन्यथा की दृष्टि में हमने गतिश्च सूत्र के द्वारा सब जान लिया था, लेकिन जो नहीं जाना है वो इन सूत्रों से जाना जाएगा, ये इनका तात्पर्य है। तो सद और असत, सत्कृत्य क्या बन जाएगा, सत्कृत्वा, बिल्कुल योगिता तो होगा इसमें, असत्कृत्य असत्कृत्वा, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सूत्र जो कह रहा है बिल्कुल उसकी तरह काम करेंगे, आदर अनादर में, यानी कि सत्कार करके और असत्कार अनादर कर, आदर करके अनादर करके, इसका तात्पर्य हो गया। सत और भी में प्रयोग होता है, लेकिन ये आदर अनादर में सत और असत का जब प्रयोग होगा तो वो गति संज्ञक हो जाएगा, ये सूत्र का तात्पर्य है, ठीक है। चलिए दूसरा ले लेते हैं, चौथा, भूषणे अलम, आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, जब तक सूत्र याद नहीं होते ये दिमाग में बैठ नहीं पाते। भूषण अलम का मतलब क्या होता है, अलम शब्द गति संज्ञक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अलम का मतलब पर्याप्त भी होता है, अलम का मतलब पर्याप्त भी होता है, और अलम का मतलब भूषण यदि आ जाए, भूषण मतलब आभूषण, तो वह गति संज्ञक हो जाएगा, तो भूषण अलम, अलंकृत्वा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये अलं कृत्वा, अलंकृत्य अलंकृत्वा, सुशोभित करके, आभूषण से युक्त करके, ऐसा करके इसका अर्थ निकलेगा, लेकिन पर्याप्त अर्थ में जब इसका अर्थ होगा तो वो गति संज्ञक नहीं हुआ, इसलिए सूत्र का निर्माण करना पड़ा। भूषण अलम जब भी आ जाए गति संज्ञक हो जाएगा, भूषण के अर्थ में जब आएगा तो वो गति तत्पुरुष समास में चला जाएगा, और समास किससे होगा, को गति प्रादया से, ये केवल समास नीचे जो सूत्र हैं
वो उनकी गति संज्ञा कर रहे हैं, याद रखना। और जैसे ही गति संज्ञा हो जाती है तो उनको समास किससे होता है, कुगति प्रादया से होता है। मैं एक सिद्धि समझाने का प्रयास करूंगा, उसमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बड़ा है ये, मैं सोच रहा हूँ आज ये खत्म हो जाए, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी खत्म कर दूं इसको मैं। पांचवा है कड़े मनसी श्रद्धा प्रतिघाते। ये कह रहा है कि कणे और मन, जब इन दोनों की गति संज्ञा हो जाएगी, जब वो श्रद्धा प्रतिघाती के रूप में प्रयोग होंगे, मतलब मन भर के शब्द प्रयोग किया जाएगा। इससे इन दोनों का अर्थ होगा मन भर के, जैसे कणे हत्या, मतलब कणे हत्वा, ये तात्पर्य इसका, मने हत्वा मने हत्वा, ठीक। यानी कि मन भर के कार्य कर लिया, मन भर के खाना खा लिया, मन भर के ये काम कर लिया, मन भर के वो काम करे, मन भर के जब भी शब्द आ जाएगा तो ये कणे हत्या मने हत्वा के रूप में प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठवा देखते हैं, पुरो अव्ययम। पुरस एक अव्यय है, ये गति संज्ञक होता है इस सूत्र के द्वारा। पुरस अव्यय हमेशा गति संज्ञक होता है, याद रखना। जैसे पुरस्कृत्य, विग्रह क्या हो जाएगा, पुरस कृत्वा। इसका दो अर्थ होते हैं, पुरस्कृत पुरस्कार करके या आगे करके, ठीक है ना। पुरस्कार जो शब्द बना है इसी से बना है, तो इसका अर्थ होगा आगे करके। इसी में एक और है इसी का, अस्तमचा, अर्थात अस्तम भी गति संज्ञक हो जाता है। ये सूत्र सब गति संज्ञा करने वाले हैं, इनको याद कर लो, क्योंकि गति तत्पुरुष समास होगा तो ये सूत्रों की जरूरत पड़ेगी आपको। अस्तमचा, अस्तम अस्तम कृत्य बन जाएगा, ये अस्तम कृत्वा। सीधे सीधे प्रयोग है इनमें, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, कृत्य की जगह कृत्वा का प्रयोग कर देना, बस ये विग्रह हो गया सीधा, ठीक है। इसमें एक चीज गलत कर दी है थोड़ी सी, मैंने बताऊंगा अभी। अस्तम चा में अस्तम गत्वा है, ठीक है, शब्द अस्तम गत्य, अस्तम गत्वा, उस ओर जा करके, इसका तात्पर्य होता है उस ओर जा करके, ये था मतलब। कृत्वा मैंने थोड़ा गलत कर दिया, जल्दी जल्दी में कुछ चीजें गलत हो जाती हैं। इसी में अगला सूत्र है, ये तो सूत्र ये मान के चलिए इसे समास होगा, इसलिए छोड़ दिया मैंने, पता नहीं कौन सा नंबर था वो, जो भी नंबर हो, ठीक है। त्रो अंतर्धौ, तिरस एक शब्द होता है, उसका यदि अंतर्धौ यानी कि अंतर्धान होना, छिपना, गायब हो जाना, इस अर्थ में प्रयोग होगा तो तिरस शब्द का, तिरस शब्द गति संज्ञक हो जाएगा। जैसे अब तेरा शब्द गलत कर दिया मैंने, चलो ठीक है, त्रिभुय, त्रिभुय मतलब तिरस भूत्वा, इसका मतलब क्या होता है, छिपकर या अपमान करके भी एक तरह से प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं अपमान भी आ जाता है। अगला एक और सूत्र है विभाषा, एक एक उदाहरण है इनके, आप फिर वो बदलते चले जाते हैं, ठीक है, इनके एक एक उदाहरण है, ज्यादा नहीं है, सूत्रों पर ही आधारित है ये पूरा। विभाषा क्रेई, विभाषा क्रेई से तात्पर्य क्या है, ये जो तिरस है उसका क्री धातु के साथ में यदि प्रयोग होगा तो वो विकल्प से गति संज्ञक होगा, ये इनका तात्पर्य है। जैसे तिरस्कृत्य, ठीक है ना, तिरस्कार करके, अपमान करके, यदि इसके साथ में है तो ये विकल्प से विभाग होगा, तिरस्कृत्वा, ये इसका विग्रह है।
विकल्प से हुआ है ये विभाषा त्रि सूत्र के द्वारा। यदि आ जाए कि ये त्रस कृत्य जो समास हुआ है इसमें जो गति संज्ञक है वो विभाषा क्रिय के द्वारा है, लेकिन समास को गति प्रादेय के द्वारा हुआ है और ये विकल्प से है। इसको एक आपने जानते होंगे ये होता है त्रस्कृत्य, त्रकृत्य, ये त्रकृत्य किसके द्वारा होता है? एक हमने संधि विच्छेद में सूत्र सुना था कुप्पू कपौचा, कुप्पू कपौचा के अनुसार ये इनका जीवा मूल्य हो जाता है, ठीक है, ये बन जाएगा। और विकल्प में इसका एक और होता है त्रह कृत्य, ऐसे भी होता है। तो कुप्पू कपौचा के बारे में मैंने बहुत विस्तृत में समझाया है क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं छूट जाती हैं, तो आप जाकर के संधि विच्छेद में उसका अध्ययन कर लीजिए तो समझ में आ जाएंगी चीजें। तो विभाषा कृषि के सूत्र के द्वारा त्रस्कृत्य त्रस्कृत्व ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, तीनों रूप बन जाएंगे, ठीक। चलिए एक और है साक्षात प्रभृतिनी चा, ठीक है। चा शब्द इसमें क्यों लगाया है? चा शब्द से जो विभाषा क्रय हमने जाना था वो क्रय से क्रि धातु यहां पर भी ली गई है, अर्थात साक्षात आदि जो शब्द हैं साक्षात प्रभृतिनी, साक्षात प्रभृतिनी में साक्षात शब्द से लेकर के ये भी गण के अंतर्गत आता है। तो यहां से जितने भी शब्द शुरू होते हैं यदि वो क्रि धातु के साथ में संयोग करेंगे मिलन करेंगे तो वो गति संज्ञक हो जाएंगे, ये इनका तात्पर्य है। जैसे साक्षात कृत्य, साक्षात करके मतलब क्या हुआ इसका विग्रह, साक्षात कृत्वा, ये इसका तात्पर्य हो जाएगा, ठीक है। एक और है इसमें सूत्र बस अंतिम, नित्यम हस्ते पाणो बुपयमने, नित्यम यानी ये नित्य समास होता है, हस्त और पाणो शब्द के साथ में जो कृत प्रतिक्रिय जो धातु है वो जब प्रयोग होगा लेकिन उसका अर्थ क्या रहना चाहिए? उप यानी विवाह निकलना चाहिए, विवाह शब्द निकलना चाहिए। उपयमने शब्द का तात्पर्य है विवाह, विवाह के अर्थ में यदि दोनों हस्त और पाणु शब्द स्थिर हो जाएंगे टिक जाएंगे तो उनकी गति संज्ञा हो जाएगी, ये इसका तात्पर्य है। जैसे हस्ते कृत्या मतलब हस्ते कृत्वा, ऐसे पाणु कृत्या पाणु कृत्वा, ये सीधा सीधा है। जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, थोड़ा समय बहुत बढ़ गया है। इन दोनों के साथ जब भी और इन दोनों का अर्थ क्या होगा? विवाह करके, विवाह शब्द जब लग जाएगा तो हस्त और पाण जो शब्द आएंगे तो उनकी गति संज्ञा हो जाएगी और गति संज्ञा होते ही कुगति प्रादेय से उसकी तत्पुर समास हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना जिससे कि मैं आपको और कुछ कर सकूं इस विषय में। एक ले लेते हैं परस कृत्य, ये शब्द ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लें, पांच मिनट और लगेंगी, मैं सूत्र ना लिख करके सीधी सीधे समझा दूंगा। इसका जो विग्रह होता है वो हम जान गए हैं, परस कृत्व होता है और इसका अलौकिक जो विग्रह होगा ये हमारे काम का है, अलौकिक विग्रह जो होगा वो परस्त ज्यो की तो आ जाएगा, क्रिय अलग हो जाएगा और कत्वा प्रत्ययी अलग हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्व अव्ययम एक सूत्र के द्वारा इसकी गति संज्ञक हो जाएगा, अब मैं लिखूंगा नहीं, यहां पूर्व अव्ययम गति संज्ञक होने पर फिर कुगति प्रादेय से इसमें समास हो जाएगा, ये दो चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब बात आती है कि पुरस शब्द हो, हमारे पास क्रि और कत्वा है, तो कत्वा में जो भी होता है उसके बाद में हम सूत्र लगाते हैं तीसरा समासे अन्य पूर्वे कत्वो ल्यक्,
अर्थात समास में यदि कत्व प्रत्यय प्रयोग होता है तो उसको ल्यप आदेश हो जाता है, और ल्यप आदेश होता है ने को छोड़ करके, ये इसका तात्पर्य है। तो ये हमारे पास तत्पुरुष समास ही है, गति संज्ञक हो गया है क्योंकि ये तो बन जाएगा ये परस क्रे और ल्यप, ये इसका तात्पर्य है। अब इसको हम एक सूत्र आता है हलंत्यम, उससे ये हटा देंगे, और इस ला का लश्क्वा तद्धते से लोप हो जाता है, तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है या, ठीक है, तो बनेगा हमारे ये बन गया पुरस पुरस क्रे और या, ये स्थिति बन गई। इसमें एक सूत्र लगता है ह्रस्वस्य पिति कृति तुम, लिख दूं इसको, है ना, ह्रस्वस्य पिति कृति तुम, तो जब लग जाता है इसका तात्पर्य है कि ह्रस्व जितने भी ह्रस्व हों स्वर, ह्रस्व दीर्घ याद रखना, स्वर ही होते हैं और कुछ नहीं होता, ह्रस्व के बाद में पित यानी पाइत कृदंत प्रत्यय हो तो उन दोनों के बीच में तुक का आगमन हो जाता है। तो हमारे पास ह्रस्व है और ये या जो बचा है, हलंत नहीं, या जो बचा है वो पा इत है, इसका लेप का पा इत है और ये कृदंत है हम जानते हैं, तो हमारी सभी स्थितियां बन रही हैं, तो इसमें तुक का आगमन हो जाएगा। तो यहां पर हम तुम ये बन जाएगा, अब ये हलंत है इसका हलंतम सूत्र से काका लोप हो जाएगा, उपदेश अजमंडास का इत से तस्य लोपा से और दर्शन लोपा से इसका भी लोप हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ता, बनेगा ये पुरस क्रे ता या, ये स्थिति बनी, ये स्थिति बनी, तो इसको हम एक जैसा कर देंगे अब पुरस कृत्य, यही हमको सिद्ध करना था, ह्रस्वस्य पिति कृति तुम, कृति का मतलब कृदंत युक्त जो पाय इत है जिनका, ऐसे प्रत्ययों के साथ ह्रस्व से पहले तुक का आगमन हो जाता है, दीर्घ से नहीं होता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आगे देखेंगे इसमें प्रादि में क्या हो सकता है, प्रादि तत्पर आज बहुत बड़ा हो गया है वीडियो, चलिए।